उगते सूर्य को अर्घ के साथ चार दिनों से चल रहे छठ महापर्व श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। संपूर्ण मधुबनी जिले के सभी क्षेत्र में आस्था का महापर्व छठ उगते सूर्य को अर्घ के साथ संपन्न हो गया। चार दिनों तक चलने वाली छठ पर्व के दौरान लोगों की आस्था का सैलाब विभिन्न छठ घाटों पर दिखाई दिया। वहीं जिला मुख्यालय से लेकर सभी 21 प्रखंड क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में छठ महापर्व पूरी श्रद्धा एवं पवित्रता एवं शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। जिले के विभिन्न जलाशयों में नहर पोखरे एवं पवित्र नदियों सहित अन्य जगहों पर छठ पर्व के दौरान लोगों की भारी भीड़ घाट पर दिखाई दी, जहाँ लोगों ने उगते सूर्य को अर्घ देकर उन्हें नमन करते हुए मन की मुरादें भगवान आदित्य देव से पूरे करने को लेकर प्रार्थना किया। वहीं बताते चले कि उदयमान सूर्य को अर्घ देने के लिए छठ घाटों पर अहले सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ जमा होने लगी थी। छठ को लेकर लोगों द्वारा छठ घाटों की साफ सफाई और आकर्षक ढंग से सजाया गया था। सभी घाटों पर प्रकाश एवं गाजे बाजे का उत्तम प्रबंध देखा गया। वहीं विभिन्न जगहों पर मनोरंजन को लेकर नाच गान का भी आयोजन किया गया। छठ पर्व को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क एवं मुस्तैद दिखा गया। जिला प्रशासन के द्वारा जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड के विभिन्न चिन्हित घाटों पर बैरिकेडिंग एवं गोताखोर की टीम तैनात की गई थी। वहीं प्रशासन के द्वारा घाटों का जायजा लिया जाता रहा। प्रशासन के द्वारा चिन्हित घाटों के जलाशयों में भारी भीड़ को देखते हुए वोट के द्वारा गश्ती की व्यवस्था की गई थी। वहीं सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन के साथ अनुमंडल प्रखंड सहित सभी थाना पुलिस अलर्ट देखा गया, तो चिन्हित घाटों पर दंडाधिकारी के देखरेख में पुलिस बल तैनात किया गया था। पर्व को देखते हुए पुलिस गश्त किया जाता रहा। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार, जिला पुलिस पदाधिकारी सुशील कुमार, DDC अश्विनी कुमार, DPRO सह जिला आपदा पदाधिकारी परमील कुमार सहित सभी वरीय पदाधिकारी पर नज़र बनाए हुए थे। इस तरह भगवान भुवन भास्कर के महाराधना का पर्व जिले भर में शांति एवं सौहार्दपूर्ण संपन्न हुआ। BNP न्यूज़ के लिए मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट।